अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुलनार्स कुकिंग। आज हम बनाएंगे सीख कलेजी। ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में और एकदम सिंपल से है रेसिपी और क्विक होने वाली है। ये मेरे पास हाफ के जी कलेजी है, मैंने इस तरह से क्यूब में कट करके रखी हूँ। और जब भी हम कलेजी कट करेंगे तब ये हिस्सा जो होता है, पतली सी स्किन होती है इसकी, ये इसको इस तरह से निकालना है तो फिर मसाला अच्छी तरह से इसमें लग जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से हम इसको निकाल के रिमूव करेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से वॉश करके रखे हैं। अब इसके मसाले की तैयारी करेंगे। हमने 5 से 6 इसमें हमने रेड चिली लिए इस तरह की। आप इसमें चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून फुल भर के हमने धनिया लिए हैं, 1 टीस्पून जीरा, 10 से 12 हमने इसमें ब्लैक पेपर लिए, काला मिरी। इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, हल्का, और इसको हम मोटा मोटा पीस के लेंगे। हाफ लेमन का रस लगेगा, छोटा है तो आपको एक अखा लेना है। 1 टीस्पून हम इसमें नमक लेंगे और 1 टीस्पून फुल भर के हम इसमें टिक्का मसाला लेंगे। आप इसमें तंदूरी मसाला या चाट मसाला भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास है वो आप 1 टीस्पून इसमें लेना है हाफ के जी में। सबसे पहले हम इसको रोस्ट करके लेंगे हल्का और इसको हम पीस के लेंगे। इस तरह से हमने इसको मोटा मोटा पीस लिए है। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून दही डालेंगे, ये 50 ग्राम के करीब है। ये दही भी हमारी होममेड है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसमें जाएगा लेमन रस, नमक और तिक्का मसाला हम डालेंगे इसमें। और ये सारा जो हमने पीस के रखा हुआ है मसाला, उसको भी इसमें शामिल करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से मैरिनेट करके रख दिए। आप देख सकते हैं इसमें मसाला बहुत ही अच्छी तरह से लग चुका है। अब इसको हम रखेंगे 30 मिनट के लिए साइड में। आप इसको हम साइड में रखेंगे, और अगर ज़्यादा टाइम के लिए रखना है तो आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा। इसको मैंने 30 से 35 मिनट के लिए कवर करके रखी थी और ये अच्छी तरह से इस बोटी में मसाला लग चुका है, आप देख सकते हैं। आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं, या तो आप इसको पूरी रात भी रख सकते हैं। जब आप पूरी रात रखेंगे तो इसको फ्रिज में रखना है, या 2-3 घंटे के लिए भी रखना है तो आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा। ये मसाला इसमें अच्छी तरह से लग चुका है। अब हमें लगेंगी बाम्बू स्टिक, ये हम इस तरह की लेंगे। हमने बाम्बू स्टिक को पहले अच्छी तरह से वॉश कर दिए। आप इसको पानी में भी रख सकते हैं 5 मिनट के लिए। अब एक एक करके हम इसमें इस तरह से बोटी को लगाते जाएंगे। ये बहुत ही इजी लगती है इसमें इस तरह की। कि हमने सारी बोटी इसमें लगा लिए बाम्बू स्टिक में। अब इसको हम शेलो फ्राई करेंगे। हमने एक फ्राई पैन रखे, इस पर थोड़ा सा हम ऑयल स्प्रेड करेंगे। ये जो मसाला बचा हुआ है उसको भी हम इसी के ऊपर डालेंगे। इसका हम ऑयल, इसमें ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता है। इसको हम स्लो आंच पे ही, धीमी आंच पे रखेंगे इस तरह से कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए, अब इसकी साइड हम चेंज करेंगे। दूसरी वाली साइड को हम बिना कवर किए सेकेंगे, क्योंकि ये जब हमने 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रखे हैं तो उसमें ये कलेजी पक चुकी है। अब सिर्फ हमको इसको सेकना है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। मैं
मैं इस तरह का एक स्टैंड लेने वाली हूँ और इसको इस पर रख के हम इस तरह से इसको सेकेंगे। या तो आप फिर इसको फ्राई पैन में ही रख के इसमें आप थोड़ा सा कोयले का सेक दे सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा लगता है ये। अगर आपके पास जाली नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब हम गैस ऑफ करेंगे और ये अच्छी तरह से आप देख सकते हैं सेक गया है और इसमें से खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। इसको एक प्लेट में डिश आउट करेंगे। अच्छी बनी है और इसमें से जो खुशबू आ रही है बहुत ही लाजवाब है। और ये हमने जो प्याज के स्लाइस कट करके रखे हैं इस पर थोड़ा सा नमक और हमने लेमन को निचोड़ा है, इसके साथ में ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये आप देख सकते हैं जो हमने बनाए हैं कलेजी बोटी सीख कबाब, ये बहुत ही मज़ेदार की बनी है। आप इसको नान के साथ, पाव के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में इसके ग्रीन चटनी सर्व करके आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।